गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए, और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। रात जैसे गुजर गई, सोते हुए नहीं मैं देख सकता तुझे रोते हुए। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर तहसील के ग्राम सेमरी हरचंद, जो कि नर्मदापुरम जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, खबर भारतवर्ष के न्यूज़ रिपोर्टर ने जाकर भारत गैस एजेंसी में पड़ताल की। जाकर देखा तो वहां पर सावन के महीने में प्रदेश की मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा भोपाल के जम्बूरी मैदान में सभी प्रदेश की लाडली बहनों को तोहफे के रूप में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। लेकिन वहां पर गैस उपभोक्ता परेशान दिखे, पूछा पर उन्होंने बताया, हम लोग प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह जी द्वारा सावन माह में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। हम इसी उम्मीद में 450 रुपये लेकर आए कि हमको सस्ते दर में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन हमने जाकर गैस एजेंसी पर पूछा तो उन्होंने कहा आपको 1125 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। हमारे पास अभी 450 में सिलेंडर देने का कोई आदेश नहीं। यदि आपको गैस सिलेंडर लेना है तो 1125 देना पड़ेगा। इस संबंध में ग्राम महुआ खेड़ा से आए हुए ग्राहक ने बताया, हम लोग बहुत परेशान हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी बहनों के साथ छल किया, झूठा वादा किया। हम लोग आने वाले चुनाव में इन सबको सबक जरूर सिखाएंगे। इस संबंध में गैस एजेंसी के कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा 1125 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम विभाग के द्वारा इस विषय के संबंध में कोई लिखित आदेश नहीं। इस तरह खबर भारतवर्ष के खनुजा एचपी गैस एजेंसी के वितरक सेमरी हरचंद में संपर्क किया तो उन्होंने कहा 1125 रुपये में ही गैस सिलेंडर देंगे। वह आप लोग खुद ही देख सकते हैं, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह भोपाल के जम्बूरी मैदान में सभी लाडली बहनों को संबोधित करते हैं, आपको गैस सिलेंडर 450 में मिलेगा। लेकिन इस संबंध में सभी बहनें अपने आप को ठगा महसूस करें, आने वाले चुनाव में हो सकता है इनके इस आदेश का नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। और एक बात और, कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए, और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ठीक है, और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। हरचंद के भारत गैस एजेंसी पर, और आज हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि भोपाल में जम्बूरी मैदान में हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने अनाउंस किया था कि रक्षाबंधन के मौके पर सभी लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस टंकी देंगे। तो कुछ कस्टमर खड़े हुए हैं, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। भाई साहब, आपका परिचय देंगे? हाँ, इंद्र सिंह परिहार, ग्राम धपड़ा वाला। अब हमको मालूम था कि 400 रुपये मुख्यमंत्री जी ने बोला है, तो उस हिसाब से हम खाली गैस हो गई तो सोचा गैस भरवा लाएँ। लेकिन जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो 1125 रुपये में रसीद काट दिया, 1125 में ही भरा दिया। मामा जी ने बोला है तो मामा जी आप बोला है तो तुरंत से कर देते तो शायद ये 1125 के 400 में भरा जाती, तो जो पैसे बचते वो बहनों के लिए काम आ जाते आज हमारे। लेकिन अब पैसे नहीं है तो ऐसा भी है, आशीर्वाद देंगे बहनों की सुरक्षा के लिए। और क्या है भाई साहब, आपका परिचय देंगे? लखन महुआ खेड़ा, बताइए कुछ गैस टंकी के बारे में। गैस टंकी के बारे में ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो भी हैं, उन्होंने बोला कि भाई साहब सभी बहनों के लिए 450 रुपये में गैस टंकी भराई जाएगी, 400 और 250 रुपये के खाते में डाले जाएंगे। वे भी नहीं डाला है। तो आपके यहाँ आपके मैडम खाते में पैसा नहीं है कि? नहीं आया। और 450 रुपये में जो गैस टंकी जो बिल देख लो आप भाई साहब, जो बिल अभी हमने 1125 रुपये जो बिल देख लो, जो कौन सा नहीं है हम आपका। तो ये सही है कि गलत है, बताइए? गलत है, गलत है, पूरा गलत है। तो अनाउंसमेंट करने के लिए आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं अनाउंसमेंट करना ही नहीं चाहिए जी। अच्छा, बिल्कुल नहीं करना। तो आने वाले चुनाव में नहीं चुनेंगे हम आपको, शिवराज सिंह चौहान को नहीं चुनेंगे। आपका परिचय? सेनरावाड़ा से हूँ, ठाकुर। 450 की पता चली कि हम टंकी भरा रही है, तो हम लोग भराने आए थे यहाँ पे 1125 रुपये में भरा रही है। अच्छा, नहीं चुनेंगे, बिल्कुल नहीं।
पता लगा था 450 भरा रही, यहाँ तो 1125 रुपए की भरा रही। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या क्या मामा की योजना कहीं निकालते, इसमें कुछ मिलता है ना जुलता, कुछ है तो नहीं है। सही जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। किसान इंतजार सब परेशान हो रहे, बहनों भी परेशान हो रही है। तो रक्षाबंधन में आपको कैसा लग रहा है 1150 में भराने में? 1150 क्या, इधर भी देना उधर भी देना, वो पहले ही भरा रही तो उसे भरा रही, झूठी घोषणा क्यों कर रहे हैं? जो करनो सही घोषणा करो ना, तुरंत पैसा दो ना, उन्होंने कह लो मेरी बहन हो हाथ में दो खाते में डालो तुरंत दो जमा दे दे भाई पैसा 450 लेके आओ उधार लेकर दुकान वाले पैसा दाए बेचारे भाई गैस टंकी ले गए खाली थोड़ी। तो ये थे हमारे श्यामजी हरचंद्र भारत गैस एजेंसी पर कुछ कस्टमर जिनसे हमारी चर्चा चल रही थी। 200 रुपये में गैस टंकी दे रहा है बहनों को, और मैंने अभी चर्चा की है यहाँ पे कुछ कस्टमर से, तो ये बोल रहे हैं हमको 1150 रुपये के करीब गैस टंकी मिल रही है, तो इस संबंध में क्या बोलना चाहिए? आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, अब ऐसा सुन रहे हैं कि महिलाओं के खातों में या ग्राहकों के खातों में अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, लेकिन अपने पास ऐसा रेट का कम का कुछ आदेश नहीं आया है, ना कुछ अधिकारियों से बात करी, उन्हें भी कुछ बताया नहीं है। मतलब अभी जमहूरी मैदान में सभी बहनों को बोले थे कि सभी बहनों को मैं 450 रुपये में गैस सिलेंडर दूंगा, तो उसके लिए आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे थे सर? वो ऐसा हमने बोला था कि उज्ज्वला योजना के लिए वो सब्सिडी डालेंगे, सावन के महीने में 2-3 दिन के अंदर में वो सब्सिडी आएगी, तो आपको 450 रुपये में टंकी पड़ेगी, पर अभी जो प्राइस है आपको वही पेड करना, वो ये कहा है। आप पूरा पेपर पढ़ते, पेपर में भी यही लिखा है 450 रुपये में टंकी देने का कोई वादा नहीं करा है मुख्यमंत्री जी ने, ऐसा कोई वादा नहीं करा, उन्होंने बोला था कि आपको 450 रुपये में टंकी पड़ेगी मेरी बहनों को, तो पेपर में भी यही लिखा गया है कि आपकी जो मुख्यमंत्री की जो किताबें मिली थी उस पर वो सब्सिडी डालेंगे, आज कल परसों में जब भी वो डाल दे वो सब्सिडी आएगी। एक मिनट पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए जो आप बोल रहे हैं कि जिसके पास उज्ज्वला योजना की गैस टंकी नहीं है, बाकी वो क्या उनकी दूसरी बहन है, क्या वो उनकी बहनें नहीं है, बता पाएंगे? सर पहले तो है, पर उनने जो बोला है अपन तो उसके आधार पे है, अपन ने तो ये बोला नहीं है, केवल जिसको योजना की गैस टंकी मिली है उसी को 450 रुपये में देंगे। सर उसी का 450 को हमने सुना है, क्योंकि उसके ऊपर सब्सिडी आई, जो हमने सुना है वो हमने आपको। पर जो घर पर पेमेंट कितना करना पड़ेगा बहनों को जो पेमेंट अभी चल रही है गवर्नमेंट के साथ? अभी गैस टंकी कितने में आ रही? 1126 रुपये में। 1126 में 1126 देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा। फिर बाकी पैसा गवर्नमेंट वो वापस करेगी, जो आपने मामा बोले हैं शिवराज मामा ने, वो उनके खाते में पैसे आपको ट्रांसफर करेंगे। नहीं किए फिर उसमें हम सरकार देने वाली है भाई, देखो जो सब्सिडी आती है वो सरकार अपनी तरफ से देती है, अब वो दे रही है नहीं दे रही है उसमें हम क्यों बोलेंगे। तो ये थे HP गैस एजेंसी सॉफ्टवेयर वाले, इनका कहना है कि सभी लोग जो बहने हैं उनको उज्ज्वला योजना से जिनने गैस टंकी खरीदी है उनको 450 रुपये में गैस टंकी मिलेगी, बाकी लोगों को ये सुविधा नहीं है। खबर भारत वर्ष के लिए सेमरी हरचंद, नर्मदापुरम से कमल मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।